दोस्तों जब हमारी तबीयत खराब होती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ये जानने के लिए हमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि जब भी बॉडी में कुछ डिसबैलेंस होता है तो ये हमें छोटे छोटे सिग्नल देना शुरू कर देती है। पर कई बार हमें इन सिग्नल के बारे में पता नहीं होता और इसीलिए छोटी सी बीमारी कभी कभी सीरियस डिजीज बन जाती है। लेकिन आज के वीडियो में हम ऐसे ही छोटे छोटे सिग्नल की बात करने वाले हैं, तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और उससे पहले अगर आपने हमारा आपका सबका प्यारा चैनल फिटनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए सबसे जरूरी एलिमेंट है, लेकिन आजकल लोग विटामिन के नाम पे कोई भी टेबलेट खा लेते हैं बिना ये जाने कि उनकी बॉडी को एक्चुअल में किस विटामिन की जरूरत है। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि जब भी बॉडी में कोई प्रॉब्लम शुरू होती है तो हमारी बॉडी अपने आप ही सिग्नल्स देने लगती है। तो चलिए समझते हैं उन सिग्नल्स को और साथ ही देखते हैं कि ऐसे में हमें विटामिन और प्रोटीन का बैलेंस कैसे बनाना है। विटामिन बी की कमी, क्या आपके पैरों की एड़ियां अक्सर फटती रहती हैं? आपकी आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं? क्या होठों पे अल्सर होते हैं और क्या आपके मुंह के किनारे फट जाते हैं? तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में विटामिन B2 की कमी है। अगर आप भींगापन से परेशान हैं, नाखून में हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती है तो ये विटामिन B1 डेफिशिएंसी की निशानी है। अगर आपके नाखून का रंग ब्राउन हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है। अगर आपके नाक, गाल और माथे में लाल निशान हो जाते हैं तो ये विटामिन B6 की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से स्किन, हेयर और डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा विटामिन बी की कमी से बॉडी पेन, एंग्जायटी और डिप्रेशन के भी काफी चांसेस रहते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा पिज्जा, बर्गर, समोसा, पकोड़े, कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट्स, डोनट, पेस्ट्री और चिप्स वगैरह ये खाते हैं, उनकी बॉडी में अक्सर बी विटामिन की कमी होती है। इससे बचने के लिए बाहर की चीजें कम से कम और घर का खाना ज्यादा से ज्यादा खाएं। जॉइंट से आवाज आना, दोस्तों कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप बैठे और घुटनों से कटकट की आवाज आई हो या फिर बॉडी में किसी और जॉइंट से कटकट की आवाज आई हो। अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है या फिर ऐसा हो रहा है तो ये सिग्नल है आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी का। कैल्शियम दांतों और हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार कैल्शियम की ज्यादा कमी होने की वजह से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर लोगों को जब ये पता चलता है कि बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो सीधे ही कैल्शियम की टेबलेट्स लेना वो शुरू कर देते हैं। इसके बदले आप डाइट में मिल्क से बनी चीजों और पीनट बटर यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असरदार तरीका है चूना और दही। और दही में एक चुटकी चूना मिक्स करें और सुबह खाली पेट ब्रेकफास्ट से पहले ये दही खा लें। 2 से 3 महीने में आपके शरीर से कटकट की आवाज आना बंद हो जाएगी। जीभ सफेद होना, अगर आपकी जीभ लाल से सफेद होने लगे तो ये सिग्नल है यीस्ट ओवरग्रोथ यानी कि पेट की गड़बड़ी का। ऐसे में एंटीबायोटिक से दूर रहें और खाने में सब्जियां और सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल जरूर करें। नाखून और प्रीमैच्योर हेयर फॉल, कमजोर नाखून, नाखून के बगल में थोड़ी थोड़ी स्किन उतरना, रफ एंड ड्राई हेयर एंड प्रीमैच्योर हेयर फॉलिंग, क्या आप भी इन सब से परेशान हैं? अगर आपके साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका है या फिर अभी ऐसा हो रहा है तो ये एक सिग्नल है कि आपके शरीर में बायोटिन की कमी है। इसका एक कॉमन रीजन है रोज कच्चे अंडे खाना। कच्चे अंडों में साल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमारी बॉडी नेचुरल बायोटिन नहीं बनाती, पर हमारे पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया बायोटिन बना सकते हैं। लेकिन अगर डाइजेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बैक्टीरिया नहीं बना पाते और अल्टीमेटली ये सिग्नल सामने आने लगते हैं। इसका सॉल्यूशन है दही। सुबह दही में 1 चम्मच जैगरी पाउडर मिक्स करके खाली पेट खाएं, लेकिन बायोटिन बढ़ने के चक्कर में बाहर की प्रीबायोटिक चीजों पर भरोसा ना करें। नाखून के व्हाइट स्पॉट्स, क्या आपके नाखून में व्हाइट स्पॉट दिखते हैं? ये सिग्नल आपकी बॉडी में जिंक डेफिशिएंसी को दर्शाते हैं। आमतौर पर जो लोग मैदा से बनी चीजें, केक और पेस्ट्री खाते हैं, उनकी बॉडी में जिंक डेफिशिएंसी रहती है। लो जिंक की वजह से लो टेस्टोस्टेरोन, स्लो बियर्ड ग्रोथ, लो मसल मास और सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है। जिंक की कमी पूरी करने के लिए आपको ड्राई फ्रूट्स और दालों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, साथ ही पेस्ट्री और केक से दूर रहें। नेल्स पे वर्टिकल लाइंस, लॉस ऑफ आईब्रोज और सूजी हुई आंखें, दोस्तों शायद आपने ये कॉमन चीजें अपनी या फिर किसी और की बॉडी में जरूर नोटिस की होगी। इस प्रॉब्लम की जड़ है थायराइड। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में मदद करता है, तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि अगर थायराइड ग्लैंड ही सही से काम ना करे तो इससे काफी सारी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ये प्रॉब्लम ज्यादातर लेडीज में होती है क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। इससे बचने का वर्ल्ड बेस्ट आइडिया है कि आप घर का खाना ज्यादा से ज्यादा खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करें। अनइवन नेल्स एंड नाइट विजन,
दोस्तों आपको रात को देखने में दिक्कत होती है तो ये इस बात का इशारा करता है कि आपकी बॉडी को विटामिन ए की बहुत जरूरत है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी लीवर की गड़बड़ी की वजह से हो सकती है। हमारा लीवर वेजिटेबल्स में से विटामिन ए एब्जॉर्ब करने के लिए बाइल जूस बनाता है, लेकिन जब हमारा लीवर सही मात्रा में बाइल जूस नहीं बना पाता तब आप चाहे कितने ही ग्रीन वेजिटेबल खा लें आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी जरूर रहेगी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी दूर करने के लिए अपनी डाइट में घी और कच्ची घनी ऑयल को जरूर ऐड करें। पीला चेहरा और फीके नाखून। दोस्तों अगर आपका चेहरा पीला पड़ रहा है, नाखून बहुत ज्यादा सफेद दिखने लगे हैं या फिर होठों की लाली कम होती जा रही है तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी है। शरीर में खून बनाने के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बॉडी का लगभग 70% आयरन रेड ब्लड सेल्स में होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन बॉडी में ऑक्सीजन के सर्कुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आयरन की कढ़ाई में कुकिंग करें, ये सिंपल और बेस्ट तरीका है। इसके अलावा आप चुकंदर, गाजर, अनार, कॉर्न, एप्पल वगैरह खा सकते हैं। बॉडी क्रैम्प्स। दोस्तों कई बार आप लोगों ने शायद बॉडी में अकड़न फील की होगी जिसे इंग्लिश में क्रैम्प्स कहते हैं। जिन लोगों की बॉडी में अक्सर विटामिन ई की कमी होती है उनकी बॉडी में अक्सर अकड़न शुरू हो जाती है। इससे बचने के लिए आप रात को दूध में बादाम ऑयल डाल के भी पी सकते हैं, या फिर अगर आप रेगुलरली बादाम ऑयल से बॉडी की मालिश करेंगे तो भी इससे छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों हमारी बॉडी में कुछ भी अचानक नहीं होता। कोई गंभीर बीमारी आने से पहले हमारी बॉडी हमें छोटे मोटे संकेत देती है। हालांकि अगर हम उन सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं तो हमें फ्यूचर में काफी सीरियस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। बट अभी हमने इन सभी सिग्नल्स के बारे में आपको बता दिया। सो आई होप कि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही ऐसे और हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फिटनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।